लगाना चाहिए कि नहीं? अच्छा अभी कैसा मौसम चल रहा है? बरसात का। पेड़ पौधे लगवाने वाला भी मौसम है, अगर अभी हम लगाएंगे तो पेड़ पौधे लगेंगे ना, तो जहाँ भी हो, या स्कूल में हो या घर पर या जहाँ आपको जगह मिले, सुरक्षित जगह जहाँ हम पौधे लगाए और बच, तो उसको क्या करना है? लगाना है। पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं तो कितना फायदा है इससे? पब्लिक क्या क्या है बोलिए तो, इधर पेड़ पौधे से क्या क्या लाभ है हमें पेड़ पौधों से लिए बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। भोजन प्राप्त होते हैं, जैसे फल के रूप में भोजन प्राप्त होते हैं, और भी कई सारे चीजें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। देते हैं ना, चलिए तालियां पब्लिक के लिए। और बोलिए तो आप लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए। क्या क्या फायदा है इससे? ऑक्सीजन मिलता है हमें, गुड, जीने के लिए गुड। फल फूल मिलता है, फल फूल मिलता है, सब कुछ तो मिलता है, कई चीज मिलता है, बहुत सारे चीज हमें, सारी चीजें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। हाँ, वर्षा भी तो पेड़ पौधा ही रहता है, वर्षा है ना, तो अब वर्षा अगर नहीं पड़े तो क्या हम लोग जी पाएंगे? जी पाएंगे, बोलिए रेखा, अगर वर्षा नहीं हो तो क्या हम लोग जी पाएंगे? धरती रह पाएगी? और इसी से तो पानी हमें मिलता है, शुद्ध पानी पीने के लिए, और हर सब कुछ को, पेड़ पौधे हो या खेत से हो, जहाँ भी हो, खेत में हम जब लगाते हैं तो खेती जो होती है वर्षा से होती है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए बच्चे? पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और बोलना भी है घर में सबको लगाने के लिए। यस मैम। बोलिएगा ना? यस मैम। कहा गया है जल जीवन, हरियाली होगी तभी तो खुशहाली होगी, जल जीवन हरियाली होगी तभी तो खुशहाली होगी, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं, तो आज संकल्प ले हम लोग कि पेड़ पौधे जरूर लगाए, एक ना एक पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाए। बिहार में बहुत सारे लोग आम खाते हैं, बहुत सारी गुठलियाँ होती है, जामुन खाते हैं, गुठली होता है, जामुन का भी तो होता है ना बीज, तो फिर उसको क्या करेंगे? उसको रखेंगे जहाँ जाएंगे, अपने साथ में जाएंगे, कहीं भी फेंक देंगे, वो कहीं भी पनप जाएंगे मिट्टी में, तो इससे ऐसे भी वो है ना, तो इस तरह से हम अपने वो बचा सकते हैं, उत्तर प्रदेश को बचा सकते हैं।